साईं ठीक है? ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। मेहरबानी। दुआ में याद करियो। दुआ में याद वदी पो रबते पण जो पो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझो समझो खैरन दा सफर कडो। ठीक है। मां भी तांगे अपडेट पियो कंदम। ठीक है साईं। अ खैरन दा पुजो पुम के मैसेज करियो कॉल करियो। ठीक है। ठीक है जम्मू तो के याद कर यार। चलो भाई अपना सोलो ट्रिप शुरू हो गया है और करते हैं कंटिन्यू। जिंदगी के सफर में भाई कुछ दिन गुजारे हैं साईं आलम के साथ, बहुत अच्छा लगा। कांतेश भी निकल गया, मैं भी निकल रहा हूँ ऑन गोइंग। मुझे करना है बटगोई पास। बटगोई का आइडिया नहीं है। अच्छा, मैंने एक दोस्त से इन्फॉर्मेशन लिए, बोला रोड तो खुला हुआ है, बाकी कलाम तक थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है। अच्छा। हाँ यार, वो आप जब उसके नज़दीक जाएंगे ना तो आप मशवरा ले लें किसी से। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके जज़ाकल्ला। आपने क्या नाम बताया अपना? इकराम। इकराम भाई, ठीक है इकराम भाई। यार सवाद राइडर्स ने कॉल की थी ना कुछ देर पहले, तो वो बता रहे थे आप खोजा खेला में आ जाओ हमसे मिलके, फिर आगे आपका जो प्लान है वो कंटिन्यू करो। तो देखते हैं, उनसे मिलते हैं फिर आगे आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्या करते हैं। इंशाल्लाह ऐसे करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, क्योंकि बटगोई भी बोल रहे हैं पता नहीं बंदे पता नहीं खुला हुआ है ना, कोई मतलब कन्फर्म बात नहीं हो रही, तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं बट कोई खुला हुआ है तो आगे जाते हैं, वरना ना मर्दान चले जाते हैं। ठीक है असर भाई, इफ्तिकार भाई, अब्दुल्ला भाई, ठीक है भाई। दस मिनट रास्ता होगा, ठीक है अर्शद ने, अर्शद नकीम के पास पहुंचने का। ठीक है, मैंने लोकेशन लगा लेना ताकि आपको पता हो। यार अगर हाइकिंग शूज आगे मुझे मिल जाएंगे अवेलेबल? नहीं, मुश्किल है। हेलो भाई, हाँ दे जरूरत का ना, हाँ बस दे तरह के वो क्या नाम आना बालते के दाग के टिक्स को बंदूकस को के से मिलता है कुछ भी। आपकी मिसाल अब्दुल्ला की मिसाल है कि अच्छा कम है ना, हाइट हाइट कम है लेकिन फिर भी हाइट कम हाइट वाले थकते जो बहुत देर से हैं। ठीक है चलो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, बात होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह हाफिज, मेहरबानी। यार जबरदस्त बहुत सारे वीडियो मैंने देखे मॉडर्न की, हाँ वायरल होने का बहुत चांस। चले चलो मैं देखूंगा, मुझे लिंक भेजना वो इस मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना अपने नाम से।
अच्छा पेट्रोल डलवाने की जरूरत तो नहीं है ना, पेट्रोल खुल ले टंकी, अभी भी डलवाए आज आज। ये एक टंकी में करती है 400 किलोमीटर। कलाम 60 है मतलब मैं बट कोई कर लूंगा। चलो चलो ठीक है बेहतर। ये भाई अरशद भाई थे, इन्होंने बहुत खिदमत की, खाना वाना खिलाया ज़बरदस्त किस्म के चक्की को आप पे, और रास्ते में जाने के लिए भी दिए हुए। खुद का भी यूट्यूब चैनल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके विजिट करो। और पीछे मेरे अजब भाई, इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके विजिट करो। अब कलाम की तरफ निकल रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर अल्लाह बेहतर करेगा कितने बजे पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, क्यों पहुँचते हैं, ये तो आपको पहुँच के बताऊँगा। महूडन झील करनी है नहीं करनी ये भी आपको बताऊँगा। अब इनकी शॉप में मेरी कैब पड़ी हुई है, वो उठाते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। टाइम हो रहा है 2:30, मतलब 2:30 दोपहर के, और मौसम बेहतर है। दिल तो कर रहा है महूदन जाऊं, फिर देखते हैं अल्लाह बेहतर करेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत टफ था यार। पानी भर गया शूज में, पानी भर गया यार। हाइट गेन कर रहे हैं, अब इस पानी को क्रॉस करना है यार, कैसे करेंगे। नहीं 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 लगी, रोको रोको ये गाड़ी चला जाएगी।
ये तो पत्थर है ना, बजरी तो नहीं है ना कहीं पे? नहीं, मैं जाएगा मेरे पीछे से जाऊंगा। ये बोले बोले ना थोड़ा आगे जाओ। बस बस रुको जाओ जाओ पतिदार की कर। आपकी गाड़ी हल्की चली जाती है, मेरी वजनी है नहीं जाएगी। वजन की ना, और नीचे पत्थर की बोझ है ना। आखिरकार महुदन पहुंच गए 6 घंटे की बाइक राइड के बाद और 3 घंटे के ऑफ रोड के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा ही आगे झील है महुदन लेक, ज़बरदस्त खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बेहतरीन। सामने काफ़ी टेंट खेमे वगैरह नज़र आ रहे हैं, जाके कहीं ना दोस्तों रात हो चुकी है और इस वक्त मैं महुदन झील के साइड पे मैंने टेंट लगा दिया है। ये मेरा टेंट पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। सर्दी है यार टाइट किस्म की ना, हवा लग रही है भाई, लोग बोल रहे हैं हवा कम हो जाएगी 9-10 बजे के बाद। और ये रही मेरी बाइक, ये कुछ पकौड़े वगैरह मंगवाएं, इसको खाते हैं फिर सोने की तैयारी है। बहुत लंबी राइड की है, इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।